हेलो एवरीवन, तन्वी हियर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 3 मार्क्स का चैप्टर है। हम इसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने ड्रग्स टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसकी 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेंडिंग है, आज हम पहले वो कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम जो करने वाले हैं वो है एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले पता है एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड माइक्रोबियल मतलब वर्ड जो है वो माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स को हम लोग पैथोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कौन से पैथोजेंस, कौन से माइक्रोब्स की बात हो रही है, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, फंजाई वगैरह हो गई, माउल्स हो गए, ठीक है, ये सब कुछ वायरस वगैरह कुछ भी। तो ये जो माइक्रोब्स या पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट जो भी चीजें, जो केमिकल्स या जो भी चीजें इस्तेमाल की जाएं, उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स हमेशा बॉडी प्रोड्यूस करती है। हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है, दीज आर प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट यूज होते हैं, पैथोजेंस अगेंस्ट यूज होते हैं। ठीक है, उनको किल करने का काम करते हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एंटीमाइक्रोबियल्स है, मैंने पहले ही बताया कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब कहां पे प्रोड्यूस करती है, जैसे आपके माउथ में क्या होता है, माउथ में सलाइवा होता है ना, तो सलाइवा जो है अगर आपके मुंह में कुछ जाता है तो वहीं पे सलाइवा में मिक्स हो जाएगा कुछ, वहीं पे सलाइवा में एंजाइम्स है वो किल करने का काम करती है। अगर आपकी आंख में कुछ जाता है, आईज में क्या है, आईज में पानी आता है ना, तो लाइसोजाइम एक एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होती है, वो उसको किल करने का काम करती है। ठीक है, नाक में नेजल सिक्रेशन है, हमारे पास नाक से पानी निकलता है, कुछ जो भी है सिक्रेशन, वो वहां पे नाक अगर कुछ जाता है तो अंदर नहीं जाने देता उसको। ठीक है, हमारे पास स्टोमक में क्या प्रेजेंट है, स्टोमक में हमारे पास एक्सियल प्रेजेंट है। तो ये जो सारी चीजें हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, इन सिक्रीशंस को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से अगर एंट्री पाके, कोई अगर डिजीज कॉज करने की कोशिश करें, तो ये उनको पहले ही मार देते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से उनको एंटर ही नहीं होने देते। तो आई होप ये जो माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करें। तो हमारे पास क्या करते हैं, ये नॉर्मली मतलब आपके पास जो बर्थ प्रोड्यूसिंग वाली मेडिसिन है उनको बर्थ कंट्रोलिंग मेडिसिन, इनफैक्ट मैं बोलूंगी इनको क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोलिंग मेडिसिन। ठीक है, अच्छा जी, नॉर्मली किस फॉर्म में ली जाती है, दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब ज्यादातर लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में लेते हैं, मतलब दवाई की फॉर्म में लेते हैं, ताकि जो है बर्थ ना हो किसी भी बेबी का। ठीक है, तो हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का दूसरा नाम है बर्थ कंट्रोलिंग मेडिसिन, मेनली दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टीरॉयड्स होते हैं। ठीक है, अब कौन से स्टीरॉयड्स है, मतलब कौन से हार्मोन्स वगैरह यहाँ पे होंगे, गोनेडल हार्मोन्स, जो हमारे गोनेड्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, वही हार्मोन्स यहाँ पे हमारी बॉडी को दिए जाते हैं, ताकि वहां पे बर्थ जो है वो रुक जाए। ओके, तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे हम चीजें यूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे आपके पास मतलब एक जो डिफरेंट मेडिसिन यूज की जाती है उनके नाम मैं लिख रही हूँ। एक है प्रोजेस्टिरोन ओनली पिल, ठीक है, ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है माइफेप्रिस्टोन, एक मेडिसिन है, ठीक है, ये यूज की जाती है माइफेप्रिस्टोन। उसके बाद है RU486 है, RU486, ठीक है। एक है कंबाइंड ओरल पिल, ये इस्तेमाल की जाती है, कंबाइंड ओरल पिल। ठीक है, तो क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, बर्थ कंट्रोलिंग मेडिसिन इनको बोलते हैं, मोस्टली दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, गोनेडल स्टेराइड्स आपको दिए जाते हैं। तो गोनेडल स्टेराइड्स मतलब गोनेड्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, दो ही है हमारे, ठीक है, एक एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, और एक होता है प्रोजेस्टिरोन। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोजेस्टिरोन और एस्ट्रोजन को हमारे पास क्या किया जाता है, इन दोनों को मेडिसिन, अगर इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो कंबाइंड ओरल पिल है। प्रोजेस्टिरोन को अकेले भी ले सकते हैं। माइफेप्रिस्टोन एक केमिकल है और RU486 एक केमिकल है। तो पेपर में डेफिनेशन आती है विद एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स, तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला जो हमारा ड्रग्स वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, हमारे पास 2 टॉपिक इनफैक्ट पेंडिंग है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है केमिकल्स इन फूड।
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे खाने में केमिकल्स तो मिले ही होते हैं। तो केमिकल्स इन फूड मतलब हमारे खाने को बचाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, काफी देर तक लंबा चलाने के लिए जो भी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स ऐड करते हैं। जैसे तीन फेमस जो है वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का क्या मतलब, ठीक है, कि भाई जो नकली जो मीठा मतलब देने के लिए जो चीजें ऐड की जाती है, नकली मीठा बनाने के लिए जो चीजें ऐड की जाती है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स के बाद आपके पास है प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। और भी डिफरेंट चीजें हमारे पास ऐड करते हैं, जैसे अगर आपने देखा हो फूड में कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, वो भी तो केमिकल है, ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं लेकिन पता होना चाहिए। तो हम लोग कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं फूड में, ठीक है। और क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स किसका काम करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपके पास जो है वो मिक्स वगैरह मतलब चीजों को, फैट्स वगैरह को, पानी वगैरह को जो मिक्स नहीं होता उसको मिक्स वगैरह करने का काम करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट केमिकल इन फूड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये जो पेपर में आता है तो ऐसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में डेफिनेशन लिखोगे टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। या फिर इसका इस चैप्टर का क्या आता है, इस टॉपिक का आता है आपके पास कि कोई आपको एग्जाम्पल दे दी कंपाउंड की, पूछते हैं कि ये कितने टाइम्स स्वीटर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नेचुरल जो है फ्रक्टोज एक शुगर है, ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रूट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फ्रक्टोज शुगर फ्रूट्स में पाई जाती है। ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है हमारे पास। तो पेपर वाला पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, तो कौन सी शुगर सबसे स्वीट है, फ्रक्टोज जो फ्रूट्स में पाई जाती है वो सबसे स्वीट शुगर है, स्वीट कार्बोहाइड्रेट है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत किसको पड़ती है, हमारे पास देखिए डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल शुगर नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उनमें क्या किया जाता है, उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट दिए जाते हैं ताकि उनमें जो शुगर मतलब ऐसी चीज उनको दी जाती है कि उनको जो मीठा वाला स्वीट टेस्ट भी आए और उनका जो शुगर लेवल है, शुगर का लेवल है वो भी इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो ऐसे उनको चीजें दी जाती है। अब कौन कौन सी चीजें हम उनको दे सकते हैं, सबसे पहला है जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सैक्रिन के बारे में, ठीक है। तो सैक्रिन ऐड की जाती है, सैक्रिन दी जाती है। सैक्रिन क्या है, ये 300 to 400 टाइम्स ज्यादा स्वीटर, पेपर वाला हमेशा पूछता है कि सैक्रिन इज डैश टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, तो सुक्रोज के कंपेरिजन में ये कितने टाइम्स ज्यादा स्वीटर है, 300 to 400 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्पफुल है किसके लिए, जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ना आपने ये कहां पे सुना, जैसे आप सुनते हो वो शुगर फ्री टेबलेट्स। अब शुगर फ्री टेबलेट्स क्या करती हैं, शुगर फ्री टेबलेट्स मीठी तो होती हैं लेकिन हमारी बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं करती है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स उनको बड़े आराम से ले सकते हैं। तो सैक्रिन, ठीक है, 300 to 400 टाइम्स क्या करती है, दे आर मोर स्वीटर देन इससे सुक्रोज। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कभी कभी पेपर में आता है, सिर्फ इसी का करना है हमने। तो एक बेंजीन रिंग है इसके स्ट्रक्चर में और एक फाइव मेंबर रिंग है। फाइव मेंबर रिंग में हमारे पास एक तो जगह, एक जगह पे तो कार्बन है और डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। नेक्स्ट जगह पे एन है और यहाँ पे सल्फर है। सल्फर के साथ छह बॉन्ड बनाता है सल्फर, ठीक है। तो दो ये आ गए, दो ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ एन के साथ ये, ठीक है। तो एक बेंजीन रिंग, एक फाइव मेंबर रिंग, एक दो तीन, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5 यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर रिंग जिसमें दो जगह, एक जगह पे एन एच जुड़ा हुआ है, एक जगह पे सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन है और एक है सी डबल बॉन्ड, बाकी तो दो बेंजीन है। तो ये सैक्रिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 300 to 400 टाइम्स ज्यादा स्वीटर सैक्रिन है, डायबिटिक पेशेंट्स आराम से यूज कर सकते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स और है हमारे पास, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। एक आपके पास है एलीटेम जो हम यूज करते हैं और एक हमारे पास है एस्पर्टेम जो हम यूज करते हैं, ठीक है। पेपर में आता है कौन कितने टाइम्स ज्यादा स्वीटर है, तो एलीटेम जो है इट इज 180 टाइम्स मोर स्वीटर, मतलब आप अगर शुगर खाओगे और ये खाओगे तो ये 180 गुना ज्यादा स्वीट होगी। और एस्पर्टेम जो है इट इज 2000 टाइम्स मोर स्वीटर, 2000 गुना ज्यादा स्वीट है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम जब इंडस्ट्रीज वगैरह में टॉफीज बनती है, कुछ बनता है तो, या कुछ भी मतलब मिठाई वाली चीज बनती है, तो वो यही यूज करते हैं एलीटेम, एस्पर्टेम, सैक्रिन। वो नॉर्मल शुगर यूज नहीं करते, बहुत कॉस्टली पड़ती है उनको, ठीक है। तो एलीटेम जो है वो 180 गुना ज्यादा स्वीट होती है और एस्पर्टेम 2000 टाइम्स। एलीटेम का क्या है, एलीटेम जो है वो सिर्फ लो टेम्परेचर पे स्टेबल है,
सिर्फ लो टेम्परेचर पे क्या है, स्टेबल होता है। अब लो टेम्परेचर पे स्टेबल का हमें क्या नुकसान है, इसको सिर्फ जो हमारे पास कोल्ड वाले फूड्स है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अगर कोल्ड ड्रिंक कोई मीठी है तो उसमें डाल सकते हैं। हमारे पास जो आपके पास क्या आता है, आपके पास आइसक्रीम्स आती हैं, ठीक है, तो आइसक्रीम में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ठंडे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हम मीठी चीजें खाते हैं, ये चीज में उसी में ऐड किया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये खराब हो जाता है, ये केमिकल टूट जाता है, इसका कुछ और ही बन जाता है। तो लो टेम्परेचर वाली जो मीठी चीजें हैं उसमें हम एडिटिव ऐड करते हैं। एस्पार्टेम जो है ना वो सारे टेम्परेचर पे स्टेबल है, स्टेबल एट ऑल टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर पे क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसीलिए एस्पार्टेम को हम लोग कहीं पे किसी पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छी शुगर हमारे पास अवेलेबल है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सी है, फ्रक्टोज, जो फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है ना, फ्रूट्स मीठे होते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ओके। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को नॉर्मल वो शुगर नहीं ले सकते क्योंकि उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और आपको पता है शुगर का लेवल अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कई लोगों के ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स वो खराब करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास शुगर फ्री चीजें हम यूज करते हैं, जिसमें जो मीठा भी प्रोवाइड करती है और हमारी बॉडी पे शुगर का लेवल बढ़ाती भी नहीं। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स मैंने बात की। सबसे पहले मैंने बात की कि सैक्रिन हम यूज कर सकते हैं, तो सैक्रिन कितना है, 300 टू 400 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है, ठीक है। और नॉर्मली जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में यही यूज किया जाता है, जो हम शुगर फ्री टेबलेट्स खाते हैं उसमें यही यूज किया जाता है। उसके बाद एडिटेम है, इट इज 180 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, और एस्पार्टेम है ये 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है, ओके। एडिटेम का क्या ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तो हाई टेम्परेचर वाली जो मीठी चीजें हैं उसमें हम इसको ऐड नहीं कर सकते। एस्पार्टेम क्या है, हर एक टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम इसको किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये जो मैंने आपको दो तीन डेफिनेशन आज पढ़ाई ये आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।